यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी की पलामू जिला पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक गुरुवार को स्थानीय परिषद भवन में बुलाई गई। बैठक प्रकोष्ठ के चेयरमैन निरंजन यादव की अध्यक्षता में हुई, जहां कांग्रेस पार्टी के पलामू जिला अध्यक्ष जयस रंजन पाठक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष व आमंत्रित सदस्यगण उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में प्रकोष्ठ की जिला कमेटी को विस्तार देने के साथ प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई। वहीं अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष श्री पाठक ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की सक्रियता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के तमाम विंग पूरी एकजुटता से आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। विशेष तौर पर उन्होंने चेयरमैन निरंजन यादव के प्रति आभार जताया, कहा कि श्री यादव के नेतृत्व में प्रकोष्ठ जिले भर में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी मंच, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लोगों की अपेक्षा वर्तमान दौर में बढ़ गई है। आगामी चुनाव के बाद देश की बागडोर राहुल गांधी के हाथों में होगी। वहीं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के उद्देश्य से अब तक जिले भर के 22 प्रखंडों में 18 प्रखंडों में समिति का गठन कर लिया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के उद्देश्य से अब तक जिले भर के 22 प्रखंडों में 18 प्रखंडों में समिति का गठन कर लिया गया है, जो पूरी तरह से सक्रिय है। कहा शेष प्रखंड कमेटी का गठन भी शीघ्र ही कर लिया जाएगा। पलामू जिला ओबीसी डिपार्टमेंट के द्वारा आज स्थानीय परिषदन भवन में बैठक का आयुक्त किया गया है। ओबीसी के चेयरमैन आदरणीय निरंजन यादव जी की अध्यक्षता में आज ओबीसी डिपार्टमेंट के तमाम पलामू जिला के प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। ओबीसी जिला कमेटी की विस्तार हुआ है। बड़ा खुशी के बात कहना चाहता हूँ कि आज पलामू जिला कांग्रेस के तमाम विंग, तमाम डिपार्टमेंट सक्रिय होकर काम कर रही है, संगठन को मजबूत लिए काम कर रही है और सबका एक ही मिशन है कि 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी को देखना है, क्योंकि इस देश का अगर कोई भलाई कर सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, और निश्चित रूप से प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और तमाम लोग, तमाम प्रखंड के लोग और तमाम विंग के पदाधिकारी, विंग के सदस्यगण सब मजबूत होकर काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं निरंजन यादव जी को, जो ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं इस ज़िले के। इनके नेतृत्व में ओबीसी डिपार्टमेंट तमाम प्रखंडों में नियुक्ति कर दिया है, जिला कमेटी गठन कर चुका है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। इनके नेतृत्व में ओबीसी एकजुट होकर पलामू में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और आने वाला समय में आपको भी दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी का हर विंग, कांग्रेस पार्टी का हर डिपार्टमेंट, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के हर लोग आपको इस प्रदेश के लिए और इस देश को सतर्क करने के लिए और लोगों की आवाज़ बनने के लिए काम कर रही है। आने वाला समय में आपको निश्चित रूप से दिखेगा। और एक बार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रखंड अध्यक्षों को, ओबीसी डिपार्टमेंट के जिला पदाधिकारियों को, जिनकी आज नियुक्ति हुई है, और हम लोग सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पलामू जिले में 22 प्रखंड है, उसमें 18 प्रखंड के हम नियुक्ति कर चुके हैं, 4 प्रखंड मेरा बाकी है और जिला कमेटी भी हमारा नियुक्ति हो गया है और हमें निर्देश मिला है कि ओबीसी को मजबूत करना है और पलामू जिला में झारखंड में वन पीस ओबीसी का हो रहा है और हम 2 महीना से लगातार पूरे पलामू जिला का भ्रमण किए हैं और 20 तारीख के बाद मैं फिर ओबीसी के लिए पलामू जिला में निकलूँगा और संगठन को मजबूत करूँगा और पूरे जिस तरह से मेन कांग्रेस का कमेटी बना हुआ है उस तरह से ओबीसी का कमेटी बनेगा हर एक प्रखंड में। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस वर्ष लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से लड़ेंगे और अपना बहुमत प्रदान करेंगे।